सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में स्केल नंबर 10 की कागज बांट करेंगे। तो इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर और हाइट है 45 सेंटीमीटर। इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने कागज को हाइट की तरफ रखा है। हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ना है, हमने सिर्फ कागज को हाइट की तरफ रखना है। कार्य तो हम लेंथ से ही शुरू करेंगे। तो 30 और 30 होता है 60, तो हमने सबसे पहले 60 सेंटीमीटर काटना है। उससे पहले जो हमने फुट्टा यूज करने को कहा है वो है 1.5 सेंटीमीटर, तो इससे हमने काटना है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 60 सेंटीमीटर काट देंगे। फिर जो हमारे पास शीट बच गई है इसके हमने करने बराबर 3 भाग। जो हमने रेखा लगाई इसके ऊपर हमने 3 निशान लगाने हैं, 1, 2 और 3 इस तरह से। और जो ये तीसरा हमारा निशान है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ मिला देना है, 1, 2, 3 तो इसको हम मिला देते हैं। इस तरह से तो हमने जो ये रेखा लगाई है हमने 3 से लास्ट पॉइंट तक पे, इसके समानांतर हमने रेखा लगानी है 2 से। तो यहां से हम 2 से रेखा लगा देंगे और फिर हम लगाएंगे 1 से और इस तरह से। हम इसको देख लेते हैं क्या ये सही है हमारा है। देखिए 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। इसी तरह से अब हमने यहाँ से 1 से 1 भाग हमने यहाँ पे छोड़ देना है सबसे पहले फ्रंट में। उसके बाद हम इसकी लेंथ काटेंगे। इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर उसके बाद एक भाग और हम छोड़ देते हैं यहाँ से। फिर हम काटेंगे इसकी ब्रेथ और ब्रेथ इसकी 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं एक भाग हमारा पीछे बच जाता है। इसी तरह से नीचे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे एक भाग छोड़ देंगे, फिर हम काटेंगे इसकी लेंथ सेंटीमीटर, एक भाग फिर हम काटेंगे ब्रेथ, ब्रेथ भी इसकी 30 सेंटीमीटर है। यहां से और ये एक भाग हमारा अपने आप इसमें बच जाएगा। अब हमने इसमें लाइन लगानी है यहाँ से। अभी हम हल्की लाइन लगाएंगे इस तरह से। और अब हम हाइट और ब्रेथ को जोड़ेंगे। तो ये हमारा आता है 30 और 45, 75। तो हम यहाँ से 75 सेंटीमीटर काटेंगे। इस तरह से। और बची हुई शीट के हमने बराबर 5 भाग करने हैं। सबसे पहले हम न्यूनकोण बनाएंगे और प्रकार से हमने इस पे बराबर 5 निशान हमने लगाने हैं, 1
चार पाँच, और जो पाँच है इसको हम लास्ट पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने चार से इसको समांतर रेखा खींचनी है, जो ये रेखा हमने पहले लगाई थी, ये हमारा है चार तीन दो और एक इस तरह से, और हम इसको देख भी लेते हैं। हमारा बराबर है, हमने दो भाग जितने प्रकार खोलने हैं इस तरह से, और ऊपर से हमने यहाँ से दो भाग काट देने हैं। फिर हम काटेंगे इसमें हाइट, इसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर, यहाँ से 45, और हम काटेंगे एक भाग यहाँ से, और उसके बाद इसकी ब्रेथ। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 30 सेंटीमीटर है इसी तरह से, और दो भाग आपके बच गए। अब हमने इधर से भी इसी तरह से इसको काटना है। तो हमने पहले जो दो भाग हमने लिए थे इतनी प्रकार खोल के, हमने यहाँ से इसको काटना है उसके बाद हम काटेंगे इसमें हाइट, हाइट है 45, उसके बाद एक भाग जो हमने यहाँ छोड़ रखा है आप देख सकते हैं। फिर काटेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ है इसकी 30 सेंटीमीटर यहाँ से 30 सेंटीमीटर, और दो भाग हमारे बच जाएंगे। लाइनें लगाते हैं तो यहाँ से ये हमने लगानी है यहाँ पे एलिवेशन और साइड के लिए, ये हम थोड़ी इसको बाहर को बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इसमें हाइट लिखनी होती है। ये लाइन हमारी बेसिक लाइन है इसलिए इसको हम पूरा लगाएंगे। तीसरी जो हम लाइन लगाएंगे ये हम सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे प्लान और प्रोजेक्शन के लिए, और थोड़ी हल्की सी हम इसको बाहर बढ़ा देंगे। और यहाँ पे लास्ट में जो चौथी लाइन हमारी आएगी वो हमने जो है सिर्फ यहाँ पे ही लगानी है, थोड़ी हम आगे लगा देंगे और यहाँ हम इसमें सिर्फ निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से। तो हमने क्या करना है, जो लाइट लाइनें इनको डार्क कर देंगे और जो हमारी फालतू लाइनें हैं इनको हम यहाँ से मिटा देंगे इस तरह से। तो हमने इसमें एक्स वाई यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे हम इसकी हाइट लिखेंगे यहाँ हम इसकी हाइट, यहाँ पे इसकी ब्रेथ, और यहाँ पे हम इसकी लेंथ बनाएंगे हाइट है इसकी 45 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ भी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे एलिवेशन, यहाँ हम लिखेंगे साइड, यहाँ हम लिखेंगे इसमें प्लान, और यहाँ हम लिखेंगे प्रोजेक्शन, यहाँ हम लिखेंगे इसमें स्केल कार्ड, और
का लंबर हमने इसमें यूज किया है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने स्केल कार्ड इसमें अच्छे से ड्रॉ करना है, उसके आपको दो नंबर अलग से मिलेंगे। तो ये चार नंबर का काम हमारा हुआ है, दो नंबर की हमारी ये स्केल है की पेपर डिवीजन है, और दो नंबर का आपका इसमें फुट्टा बनेगा। ये है आपकी स्केल नंबर 10 की कागज पर। इस तरह से आपने इसको बनाना है, और इसकी जो सॉल्व स्केल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपने वहाँ से देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।